उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में त्रिवेंद्र सिंह रावत बता रहे हैं कि गाय दुनिया की एकमात्र ऐसी जीव है जो ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीजन ही छोड़ती है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एक समारोह में गाय के रोगनाशक गुणों के बारे में बात कर रहे थे। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि गाय एकमात्र ऐसा पशु है जो ऑक्सीजन लेता और छोड़ता है, इसलिए हमने गाय को माता का दर्जा दिया है क्योंकि वो हमें प्राणवायु देती है। उन्होंने कहा कि गौ माता को थोड़ी देर सहलाने से लोगों की सांस की बीमारी सही हो सकती है, इसलिए हमको उसको हमने माता का दर्जा दिया कि वो हमको प्राणवायु देता है। कहते हैं कि अगर किसी को सांस संबंधी तकलीफ है, अगर वो गाय की मालिश करता है तो उसके सांस के संबंधी तकलीफ दूर हो जाती है। टीबी जैसा रोग है, अगर वो लगातार गऊ के संपर्क में रहता तो टीबी जैसी बीमारियां दूर हो जाती हैं। वो जो पंचगव्य है, मैंने तो उस पर पूरा वैज्ञानिक परीक्षण कराया था जब मैं पशुपालन मंत्री था, और गाय का गोबर, गाय का जो गौमूत्र है उसमें कितनी ताकत है, और हमारे शरीर के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे हार्ट के लिए, किडनी के लिए कितना फायदेमंद है, ये आज वैज्ञानिक इस चीज को आज प्रमाणित कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का वीडियो वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने उनका बचाव किया है। अधिकारी ने कहा कि उन्होंने वही कहा है जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में आम मान्यता है। इससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद अजय भट्ट ने दावा किया था, बागेश्वर में बहने वाली गरुण गंगा के पानी को पत्थर में घिसकर अगर गर्भवती महिला को पिला दिया जाए तो प्रसव के लिए ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। न्यूज़ डेस्क।